समुद्र के नीचे फैली है कोरोना से भी भयंकर महामारी, हो सकता है विनाश। एक रिपोर्ट की माने तो पृथ्वी दो भागों से मिलकर बनी है, जल और थल। थल यानी धरती और जल यानी समुद्र। ये दोनों भाग इन दिनों महामारी की दशा झेल रहे हैं। जैसे धरती कोरोना वायरस के डर से सहमी हुई है, वैसे ही समुद्र में भी एक महामारी ने तबाही मचा रखी है। वैज्ञानिकों की माने तो 50 वर्षों में पहली दफा समुद्र के अंदर इतनी बड़ी महामारी देखने को मिली है। समुद्री जीवों पर शोध करने वाले एक वैज्ञानिक ने इसकी तुलना इबोला वायरस से कर दी है। इस भयानक महामारी का नाम स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिजीज है। ये बीमारी सबसे ज्यादा खतरा कोरल रीफ के लिए बनी हुई है। कोरल वे जीव हैं जो समुद्र के भीतर के जीवन चक्र का आधार माना जाता है। ये बीमारी में सबसे ज्यादा अमेरिका के वर्जिन आइलैंड के सेंट थॉमस तट के नीचे अपना प्रकोप दिखाया है और ये तेजी से पूरे समुद्र में फैल रही है। इसके प्रसार की गति से दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंतित हैं। बता दें, इससे पहले साल 1970 में भी एक महामारी ने कोरल रीफ की दो प्रजातियां नष्ट कर दी थी। इस महामारी का नाम व्हाइट बैंड था, लेकिन स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिजीज का प्रकोप भी सबसे ज्यादा अमेरिका को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी सबसे ज्यादा अमेरिका के वर्जिन आइलैंड के सेंट थॉमस तट के नीचे अपना प्रकोप दिखा रही है।